करके 9 से मल्टीप्लाई करना है। ये कराया जाए Thank you.
बोले यार चलो वहां पे। अब उसने क्या दे रखा है, एमओ ए प्लस के दे रखा है, मतलब टू की पावर ए प्लस के, ठीक है ना। ये सिग्मा के इज इक्वल टू वन से एन, ये एफ ऑफ ए प्लस के, ठीक है ना। एफ एक्स हमारा वो था, एक्स के ए प्लस के था इज इक्वल टू 16 माइनस टू की पावर एन माइनस। अब के वेरिएबल है, ए तो कांस्टेंट है ना, तो 2 की पावर ए प्लस के को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर ए इनटू 2 की पावर के, 2 की पावर ए बाहर निकाल सकता हूं। सो आई कैन टेक दिस, अब ये तो एक जीपी हो गया, 2 की पावर एन मतलब 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो 2 की पावर ए फर्स्ट टर्म इज 2 इनटू 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू 16 पावर a प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 4। अच्छा ये तो बात हुई, ये 2 की पावर n माइनस 1, 16 इज इक्वल टू 2 की पावर a प्लस 1, a प्लस 1 इज 4, a इज 3। ये हुआ इक्वेशन शॉर्ट में, ये भी लिखा ना फंक्शन में ना, मान लो ये वाला डेफिनेशन हुआ, ये फंक्शन रूल हुआ, तो और अगर ये वाला फंक्शन रूल हुआ f(x) + y = f(y), ये वाला फंक्शन रूल हुआ, तो मेरा fx is equal to a की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे याद रखो, दिस इज फॉर एक्सपोनेंशियल, दिस इज फॉर लॉग, ये रहता फंक्शन रूल का होता फॉर टाइमिंग इवेंट मैटर दिस, लाइक बना सकते हैं उससे, जैसे मैंने कैसे लिख दिया f of x upon y is equal to fx minus f, log x को, और इसके लिए मैं और बना सकता हूँ, जैसे मैंने इधर लिख दिया f of x minus y is equal to fx upon f1 a की पावर x, this is the function, the proof you will see, mathematical proof you will see in the 12th class। बढ़ता जाएगा,
When n tends to infinity, Sn will be half. Sorry, 2. So, I'm going to carry on the test. ये हम इतना टर्म ले कम से कम सच दैट टू डिफरेंस है एज शुड बी लेस देन 1000 तो बराबर रखो ये हुआ पूछना क्या चाह रहे तो अब बाकी मैथमेटिकल तो सिंपल है 2s माइनस sn इज n टर्म का लिखते हैं फॉर्मूला तो a इज 1 into 1 माइनस r की पावर n अपॉन ये डिफरेंस जो होना चाहिए That should be less than 1 upon. You have to solve for n. So, ye pehle 1 minus half is half. Ye upar chakke 2 udhar chala gaya. 2 minus 2 is 0. Ye wala 1 aur ye 2 cancel ho gaya. This is 1 by 2 ki power n. It is less than 1 by. Correct hai? So, ye n minus 1 hai. So, ye wala minus 2 hai. 2 upon 2 की पावर n is 2 की पावर n minus 1 तो इधर से आया हमारा उल्टा इधर ले लिया 2 की पावर n minus 1 should be greater than 1000 अब रख के देखो एक बार जो मैंने फॉर एग्जांपल n को 7 लिया 2 की पावर 6 which is नहीं यार 64 तो 8 लिया 9 लिया तो बढ़ाते जाओगे तो 8 लिया तो 2 की पावर 8 minus 1 is 128 which is again not greater than 1000 तो मैंने 9 लिया 9 minus 1 is 8. 2 to the power 8 is 256, which is again not satisfying this. As it 10 loge, to bhi nahi karega, 11 loge to karega. To 11 loge to, 2 to the power 10, which is 1024, which is greater than 1000. N should be, ab main kya bata, single answer nahi bolunga. Main bolunga, n must be greater than equals to 11. Of course, 11 se jyada hoga to aur difference kam hoga. Actual 2 aur usme, n ka number. One upon one minus one by three, which is two by three.
और आएगा तो ये जाएगा 3 स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स वन। बट ये देखो वहां तक बोला एंड नहीं बोला, एंड नहीं, टू एन माइनस वन है और स्टार्ट कहां से हो रहा है एक्स वन से, तो ये तो पक्की बात है टू एन माइनस वन टर्म से। बट एक और चीज ध्यान रखना है कि ये वन स्क्वायर से स्टार्ट नहीं हो रहा, दो बोले हैं, एक तो एन टर्म्स का सब नहीं बोला और दूसरा पहले वन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने बोला अगर मान लो मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इधर देखो 2n का स्क्वायर तक करता है, ये पता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n इनटू n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 बाय 6, क्या लगे चीज को नहीं है यहां तो कोई बात नहीं, बिना उसके ये नहीं होगा, वो अपन सीखेंगे प्यारे पब्लिक में। फॉर्मूला बता दो, सिग्मा r स्क्वायर, r गोज फ्रॉम 1 टू n, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज गिवन बाय n इनटू n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब मैं क्या डालूं, अब देखना पहली बात तो मैं कोई यहां तक निकालना है, तो मैं क्या डालूं, तो मैं क्या करूँ इस में n की जगह 2n माइनस 1 डाल देता हूँ, बट उसमें क्या आ जाएगा 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, बिकॉज इससे तो 1 भी आ रहा है ना, उसमें तो 1 माइनस कर देंगे, तो आंसर शुड बी इतना पार्ट, ये जो गलती पर टोटल माइनस 1 से, अब टोटल कितना होगा इस फॉर्मूले में n की जगह 2n माइनस 1 करना, आया समझ में, ये
certo che devi essere molto più oggi ti ha messo in smart solving ancora fast you have to be fast calculation. बिल्कुल कर सकते हैं देखो कैसे
उधर से मैंने माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन नंबर क्या आया, वन माइनस एक्स। अब इधर क्या था, मैंने माइनस एक्स की पावर फाइव, और ये मेरा मैंने माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स की पावर फोर सॉरी, कितना आएगा वन माइनस एक्स। कैन यू सी सम पैटर्न, इज इट अ जीपी? यस इट इज अ जीपी विद अ कॉमन रेशियो माइनस एक्स। देखो अगर पैटर्न और देख लेते, जब मैंने बोला माइनस एक्स की पावर सिक्स प्लस एक्स की पावर सेवन, इसमें से जो माइनस एक्स की पावर सिक्स कॉमन होगा तो वन माइनस सिक्स। नाउ कैन यू सी ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव एंड वन माइनस एक्स सब चल गया, यू कैन बट एक्स पैटर्न में टेक वन माइनस एक्स प्लस कॉमन, वन माइनस एक्स मैंने कॉमन लिया तब ज्यादा अच्छा दिख जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर सिक्स। तो दिस इज द जीपी विद द कॉमन रेशियो माइनस एक्स का, ये ज्यादा आसान है। कॉपी और भी कर सकते हैं, और क्या हमने यहाँ ब्रेक किया समझा, और भी अच्छा तरीका, मतलब अच्छा तो नहीं बोलता बट फिर भी एक तरीका। परेशान कौन कौन कर रहा है, हम क्या करें अगर एक जस्ट सेकंड होगा डेटा मैकेनिक क्लब का, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन रेशियो माइनस एक्स स्क्वायर, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव विद कॉमन रेशियो माइनस, अभी ब्रेक हो गया। Thank you.
times 1 plus n minus 1 times 2 n minus 2 times n 2 square. Correct that mode of? Yeah? Oh, of course. Maybe you can laugh at it. वैसे अभी सीखना पड़ा होगा वैसे अभी वैसे अपन को थोड़ा बहुत आइडिया है वैसे अपन को इतना पता है कि सम हम क्या करते हैं सम एस एस एन सम निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स सम क्या लिखते हैं थ्री वन प्लस थ्री टू प्लस ये ऑफ कोर्स ना ऐसे में ऐसे लिख सकता हूँ सीखना टी आर आर बोस का मर्ड अरे ना सिंपल सिंपल मैंने देखी है तो मैंने बोला अगर ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है थर्ड टर्म है सॉल्व व्हाट इज द जनरल टर्म फॉर दिस अच्छा जनरल टर्म इज ऑफ द फॉर्म दिस जनरल टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस हां गुड मतलब इस सीक्वेंस का जनरल टर्म कैसे होगा उसको सिग्मा लगाना है ये कोई भी देखो वन मैन है फॉर एग्जांपल आपको मैंने वन डाला था आई शुड से टी वन आपको टू डाला आपको बोलने को की पावर वन तक जाना है मतलब टू पर टी थ्री डाला
Two people zero into any.
plus 2 to the power 1, n minus 1 bracket square. So 2 to the power 1 into n minus 1 plus 2 square n, 2 square into n minus 1. Minus 1 again. 1 into x to the power r minus 1 upon x minus 1.
recording yet? McDonald's, I'm gonna get a crank and get one. I'm gonna go get the other stuff to turn over. मैंने बोला तो मैं सिंपली 1 plus x plus x square plus n so on x की पावर r minus 1 ये कैलकुलेट करके बताओ. दिस इज द जीपी विद द कॉमन रेशियो x, नंबर ऑफ टर्म्स आर r. बात कहां से हो रही है? करेंगे तो 1 by 1 upon answer
इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। अब मैं क्या करूंगा, अब ये एपी में होगा तीनों। नाउ आई विल कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 बाय ए एंड 1 बाय सी, उसका उल्टा। टू अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी, समझ में आया? तो वो आया क्या, 2ac अपॉन ए प्लस सी रिजल्ट आया। याद नहीं करना है, चीज समझना है कहां से आया हो, ठीक है? हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर ए वन एंड ए टू इज गिवन बाय ए एंड बी इज गिवन बाय, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज गिवन बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। दोबारा बता रहा हूं मैं क्या किया हूं, हमें ए और बी का हार्मोनिक मीन निकालना था, ठीक है ना? ए और बी का हार्मोनिक मीन निकालना था। दोबारा एक बार बोलो लास्ट बार, इसको उल्टा दिया कैसे करोगे? 1 बाय और 1 बाय बी आ गया ना, जो नंबर आया उनका रेशियो हो गया, इनका एएम निकाला अरिथमेटिक मीन, इसको उल्टा कर दिया। दिस इज मास, क्लियर है? ऐसा नहीं करना है कि इन नंबर्स का एम निकाल के उसका उल्टा करना है, नहीं। ये नंबर तो हमें एचपी में है ना, पहले हम इनका उल्टा करके उनका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन का उल्टा है हार्मोनिक, नंबर रेसिप्रोकल एम रेसिप्रोकल। और इसको ऐसे भी लिख लो, सिंपलीफाई करके इसको आगे के लिए भी दो पीछे के लिए 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2।
plus 1 upon e is 10 minus 1 plus 1 upon e. Acceleration 6 divided by पहला छोटे नंबर 1 upon a2 plus 1 upon a3 plus
सही ना, ये दिक्कत कब नहीं होगी या आपका होगी, आप कोई बता सकता है कि मतलब मान लो ऑड वाला लिए तो दिक्कत क्या होगी? सिमेट्रिक एक सिनेरियो है बस, ऐसा जब हो सकता है। हाँ मिडिल वाला, वेरी गुड। टॉलेंट भी नहीं, कोई समझा भी नहीं, और बस समझ गया क्वेश्चन, समझ गए उसने बोला कि सर अगर एक कोई ऐसा केस आ सकता है जब इधर ऑड आए नंबर, तो देखो वो आएगा केवल एक ही सिनेरियो में, द नंबर्स आर, एक तो मेरे को ऑड लेना पड़ेगा, ऑड लूंगा तो जब मैं सिमेट्री बोलता हूँ तो आधे इधर होते हैं, ऑड बनाने के लिए बीच वाला आना चाहिए, तो वो सिनेरियो जब होगा पॉसिबल जब मैं मिडिल टर्म ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो देखना ध्यान, हम प्रूव भी कर सकते हैं, मैंने बोला दिस इज फॉर दिस कैन फर्दर बी रिटर्न एज 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन ठीक करें। फॉर एग्जाम्पल सिंपल से एक ही लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, टोटल सारे एच पी, मतलब मेरा नंबर हो गया 1, 1 by 2, 1 by 3 नंबर, मैंने बोला इनका एच एम निकालना, तो पहले इन दोनों को निकाला, अरे मिडिल टर्म के बराबर आएगा 1 by 3 के बराबर है ना, और जैसे वो बोल रहे थे तो उस हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कोई भी ले लो, लेट्स से मैं ये दोनों और ये ले लो, ठीक है ना, तो इधर क्या लिखते हैं 1 upon ये 1 plus 3 plus 5 आ रहे हैं कंबाइन, यही कुछ और बोले जब आपने बस पढ़ते हैं कंसेंट्रेशन चलिएगा, कुछ क्वेश्चंस भी लेके आवाज कुछ करना है स्पेशल क्वेश्चन, इन मिडिल टर्म हो गया जाता, चलिए क्वेश्चन लेके हम चलो वो टॉपिक को करते हैं, पहले इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स जस्ट लाइक AMGM, जैसे इंसर्ट करते थे वैसे मुझे क्या करना है, दो नंबर थे ए और बी, उन दोनों के बीच में मुझे एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करनी है, तुम पेज पलटो वाले कैसे भी तुम अपने से लिखो उसको कैसे करोगे, आई वॉन्ट kth हार्मोनिक की एच के, सुनना क्या बोला मैं, ये टू इंसर्ट एन हार्मोनिक से क्या होगा तुम्हारा कुछ से रिवाइज होगा, इसमें लिखवा दूंगा तो उतना याद नहीं हो पाएगा अच्छे से, ये टू इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एन, उल्टे का याद रखना उल्टा सीधा इधर, ए और बी के बीच में एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना, इसका मतलब क्या होता है, ए एच वन एच टू अप टू एच एन कॉमा बी आर एन एच पी, If we are saying कि मैंने n harmonic means insert किए a और b के बीच में, that means a comma h1 comma h2 up to dash 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 comma hn comma b r in hp, तो इसका reciprocal will be ab, तो उसकी help से तुम arithmetic mean निकालो, कि arithmetic mean फिर उसको उल्टा करोगे, kth harmonic mean निकालना है, in terms of a b a n. You can take help from AMGM वाला part. पहले statement लिख लो, ऐसे पहले statement लिख लो, नहीं तो लोगों के notes नहीं।
H1, H2, HN, H1, H2, HN are called n-harmonic means. Are called n-harmonic means between the numbers A and B. Are called n-harmonic means between the numbers A and B. If इनको n हार्मोनिक मीन बोलेंगे बिटवीन द नंबर्स ए एंड बी इफ ए कॉमा एच वन कॉमा एच टू इफ ए कॉमा एच वन कॉमा एच टू डैश 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 कॉमा एच एन कॉमा बी शुड बी इन एच पी शुड बी इन एच पी करो निकालो निकालो मैं आंसर लिख रहा हूँ फाइनली H1, H2, B. This is an HP. And harmonic means that
टेंशन वन अपॉन बी दिस इज ए बी अब फॉरगेट अबाउट एच पी वगैरह मैं मेरे को क्या करना है बेसिकली इसका इंस्टेड ऑफ दिस आई विल कैलकुलेट फॉर दिस ये हम निकालूंगा उसको उल्टा कर दूंगा तो अब मैंने बोला कि दिस इज ये ए पी है इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे पता है ना आखिरी टर्म माइनस फर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय एन प्लस वन वाई एन प्लस वन बिकॉज ऐसे मैंने दो एक्सप्लेन किए थे एक तो हम जनरल टर्म से कर सकते हैं जैसे लास्ट टर्म इज वन बाय बी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स ये रहा एन प्लस टू जो वन बाय बी वो एन प्लस टू है टर्म है एन प्लस टू माइनस वन एन प्लस वन इन टू डी तो वन बाय बी माइनस वन बाय इज इक्वल टू एन प्लस वन इन टू कॉमन डिस्टेंस या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते थे ये एक गैप है ये दो गैप है ये तीन गैप है ऐसे कितने गैप्स हैं एन प्लस वन गैप्स हैं पूरी विड्थ इज डी माइनस है एक गैप एक विड्थ का गैप मतलब एक गैप का विड्थ कितना हो गया बी माइनस से डिवाइड बाई एन प्लस वन तो ए माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस वन दिस इज कॉमन डिफरेंस इसकी मदद से मैं ये निकालूंगा वन अपॉन एच के एच वन वन अपॉन एच वन निकालने तो क्या करूँ वन अपॉन ए वन में डी एड कर दूँ वन अपॉन एच टू निकालने तो वन अपॉन ए में टू डी एड कर दूँ तो वन अपॉन एच में क्या करूँ वन अपॉन ए में टू डी बस कीप इट हियर व्हाटएवर दिस यू विल गेट इसका उल्टा लगता है
2 and 7, 15, 15 harmonic means are inserted. Then find 4th harmonic key, H4.
harmonic scale. ठीक है, और डीपीपी अच्छा कल तो फिर वो कितने क्वेश्चन उसमें आए थे हमारे में, कमी है कल लेना, कमी है काफी स्टार्ट करेंगे कंप्लीट कर लो नेक्स्ट वीक से। अरे मतलब आगे एक दो दिन बाद दे भाई ना स्पेशल सीरीज, थोड़ा एक दो दिन और लगेंगे, दो एक दिन और लगेंगे, फॉर दैट उसको बाद देना पड़ेगा संडे के लिए, हल्का छोड़ सकते हैं।